दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि ट्रेन जो होती है पर किलोमीटर कितनी इलेक्ट्रिसिटी को खाती है, मतलब कितने रुपए की इलेक्ट्रिसिटी को खपत करती है। सो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ कि ट्रेन का जो इंजन होता है कितने हॉर्स पावर का होता है, तो पहली चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो हमारा जो ट्रेन का इंजन होता है वो 6000 HP से लेकर 9000 HP के बीच होता है, ठीक। अब हमें कन्वर्ट करना होगा इसको किलोवाट्स में, क्योंकि हमें जो यूनिट निकालते हैं हम वो किलोवाट्स में निकालते हैं। पहले मैं मान के चलता हूँ कि जो मेरा इंजन है वो 1200 HP का है। अब इसको मैं निकालूंगा किलोवाट्स में, इसको मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ 746 से, तो आ जाएगा मेरा 894839.8, ठीक। तो ये आ गया मेरा किलोवाट, ठीक। अब मुझे दूसरी चीज़ निकालनी होगी। दूसरी क्या निकालनी होगी कि स्पीड, स्पीड क्या है कि हमें पता होना चाहिए ना कितने टाइम में वो पर किलोमीटर जा रही है। हमारी नॉर्मल ट्रेन एवरेज ट्रेन की जो स्पीड होती है वो होती है 80 to 90 km/h, ठीक। अब मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ कि मेरी ट्रेन की स्पीड 90 है, तो इसका मैं निकालूँगा टाइम, यानी कि ये 40 सेकेंड्स में 1 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करेगी, ठीक। अब मैं इसको 40 सेकंड्स को हॉर्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो जो आएगा मेरा 0.011 हॉर्स आएगा, ठीक। अब मैंने टाइम निकाल लिया कि कितने टाइम में मेरा ट्रेन जो है 1 किलोमीटर को कवर कर रही है। दो चीज़ें निकल आई। और जो तीसरी चीज़ हमें पता होनी चाहिए वह है कि पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का जो प्राइस है वो कितना है। अब जो रेलवेज़ है वो गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट को जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो बहुत सस्ती मिलती है। खासकर रेलवेज़ की बात करें तो रेलवेज़ को मिलती है 3 रुपये से लेकर के 4.50 रुपये पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी रिसीव्ड होती है। तो यहाँ पे मैं मान कर चलो जो मेरी इलेक्ट्रिसिटी का रेट है वो 4 रुपये पर यूनिट है, ठीक। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया कि यूनिट रेट। अब मुझे तीनों चीज़ें पता चल गई। अब मैं क्या निकालना है, मुझे किलोवाट हार्स निकालना है। किलोवाट हार्स निकालने के लिए, यानी कि KWH, किलोवाट हार्स निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि जो मेरा किलोवाट है वो कितना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 894839, जो कि मैंने ट्रेन के हॉर्स पावर को किलोवाट में कन्वर्ट किया था, ठीक। यहाँ पे मेरी क्वांटिटी ट्रेन की 1 है और मुझे टाइम लग रहा है 0.011। अब जो मेरा निकल के आएगा वही होगा मेरा किलोवाट आवर्स। मेरी जो यूनिट निकल के आई वो है 9843.23, यानी कि इतने किलोवाट। अब मुझे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कराना है अपने यूनिट से। मेरे यूनिट का रेट है 4 रुपये, यानी कि मल्टीप्लाई करा देंगे 4 से, आ जाएगा 39372.95। ये जो निकल के आया है वो है हमारा प्राइस, इतने रुपए की हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन खर्च करेगी। अब मुझे एग्जैक्ट ये भी नहीं पता कि कितने रुपए में रेलवेज़ को इलेक्ट्रिसिटी रिसीव होती है, हो सकता है इसे कम रेट में पड़ती हो, तो ये जो है प्राइस ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अब मैं एक चीज़ और पॉइंट आपको बता देता हूँ कि जो मेट्रो होती है, तो मेट्रो जो होती है वो AC और DC दोनों पर काम करती है। पहले बात कर लें AC, तो AC यानी कि 25 KV की लाइन से वो चलती है, और अगर DC की बात करें तो वो 750 वोल्ट DC पे वर्क करती है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं एक बार बेसिक से बताता हूँ कि मैंने पहले HP को कन्वर्ट कर लिया किलोवाट से, फिर उसके बाद मैंने टाइम निकाल लिया कि कितने टाइम लगेगा 1 किलोमीटर जाने में, उसके बाद मैंने यूनिट का रेट डिसाइड किया, उसके बाद मैंने निकाल दिया कि कितना इलेक्ट्रिसिटी खाएगी मेरी 1 किलोमीटर ट्रेन जाने में, और थोड़ा सा आपको ये बेसिक नॉलेज दे दिया। आई होप वीडियो को अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।